नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल फिर आपसे मुखातिब हूँ हांसी की आवाज़ पर। आज हम बैठे हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर राजेश जैन साहब के ऑफिस में, जहां हम इनसे जानेंगे कि भी एक निष्ठा ट्रेनिंग दी जा रही है, निष्ठा के तहत ये क्या है। शिक्षा मात्र एक किताबी शिक्षा ना होकर उसे हम प्रैक्टिकल रूप में, उसे हम वैज्ञानिक ढंग से उसको पढ़ाया जाए, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। और इससे पहले कि बच्चों को वो शिक्षा दी जाए, इस ढंग से इंफॉर्मेशन यानी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो शिक्षा दी जाए कि फिजिकल रूप से ये वस्तु क्या है, व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट, और उनको शिक्षा, बच्चों को शिक्षा देने के लिए टीचर्स को ट्रेन किया जाता है। ऐसे में एक ऐसे आलाकमान अधिकारी जो शिक्षा जगत के एक, मैं कहूँ कि माइलस्टोन है, एक पोल स्टार है, जिसे पूरा यानी कि सब डिवीजन जानता है, राजेश जैन किसी परिचय के मोहताज नहीं। आप जानते हैं इनकी ये वाणी, मधुर वाणी, मधुर कंठ से जो इनका एक एक शब्द निकलता है शिक्षा के लिए, जिन्होंने, ही इज अ वेरी अपराइट ऑफिसर, बहुत जिनकी, और खासकर सारा शहर जानता है, सब डिवीजन जानता है, जिला जानता है। पिछले दिनों कुछ अस्वस्थ भी रहे और सारे शिक्षा जगत ने और पूरे शहर ने उनके लिए दुआ की, आज बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने ऑफिस में मुस्तैदी से बैठे हैं और पूरे यानी कि 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे पूरा यानी कि ऑफिस में टाइम डिवोट करते हैं। ऐसे आलाकमान अधिकारी से, ऐसे शिक्षा को ऊँचे स्तर तक ले जाने वाले अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर राजेश जैन से हम एक बात करते हैं। कि जैन साहब, सबसे पहले तो हांसी की आवाज़ पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। धन्यवाद राजेश जी। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, स्वस्थ कैसा आपका? बिल्कुल ठीक, एकदम सही, आप लोगों की दुआएं हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पिछले दिनों आप थोड़ा अस्वस्थ रहे। जी, तो आपका हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा लोगों को नजर आता था, आज भी हमें आपकी मुस्कान देखकर बड़ा आनंद आनंद की अनुभूति हो रही है। सीधे मुद्दे पे आते हैं जैन साहब, आप खंड शिक्षा अधिकारी हैं, यहाँ एक कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चला हुआ है आपका निष्ठा के नाम पे, व्हाट इज दिस निष्ठा, ये निष्ठा क्या है? निष्ठा NISHTHA, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। होलिस्टिक एडवांसमेंट यानी कि जो हमारे टीचर्स हैं, जो एक्चुअल क्लासरूम में बच्चों को टीच करते हैं, जी जी, उनकी, उनके संपूर्ण एडवांसमेंट के लिए, उनकी आधुनिकरण के लिए, जी, ये एक किस्म से देखा जाए तो एक पहल है, और ये पहल राष्ट्रीय स्तर पर है, नेशनल लेवल पर है। ये केवल हरियाणा या मेरे ब्लॉक की नहीं है, ये पूरे राष्ट्र स्तर की है। और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है जी, ये MHRD दिल्ली के द्वारा प्रायोजित है। MHRD दिल्ली ने SCRT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग गुड़गांवा के थ्रू, जो हमारे डाइट के लेक्चरर्स हैं, डाइट के हैं, उनको ट्रेन किया। और अब इन दिनों में डाइट मातरश्याम से लेक्चरर्स की पूरी टीम, नियर बाय डाइट मातरश्याम, यस यस, हर एक से है, ये पूरे हरियाणा में चल रहा है, तो वहाँ से जो टीम है वो आई हुई है, और वो आकर के हमारे जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल के टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं इस वक्त। जैसा मैं पूछ रहा हूँ आपसे, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर प्ले विद मेथड शिक्षा दी जाती है, ये शॉर्ट ऑफ वैसे ही तो नहीं है कि? बेशक ऐसा ही है। यहाँ पर अब जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए प्ले विद टेक्निक आईसीटी मेथड और एक जो, जिसको हम कहते हैं माइंड मैपिंग यस, वो उसके लिए प्रयासरत हैं ताकि बच्चे को मालूम भी ना हो कि वो पढ़ रहा है और वो खेल खेल में बहुत सारी चीजें सीख जाए। इसमें बेसिक IQ भी पता लगता है, ऑफ कोर्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन का भी पता लगता है कि बिल्कुल कितना है। हाँ जी, पहले क्या होता था कि इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज होती थी, जी जी जी, टीचिंग जो होती थी वो इंफॉर्मेशन बेस्ड सब्जेक्टिव सी थी। आज इंफॉर्मेशन बेस्ड तो है ही है, इसके साथ साथ बच्चे को ये सिखाया जाता है कि एक्चुअल क्या है, वास्तविकता क्या है, ये साइंटिफिक और प्रैक्टिकल फिजिकल। Can you illustrate any example? Yes, मान लीजिए कि एक एप्पल है, वो हम बताते हैं बच्चे को इंग्लिश में कि देखो बेटा ये एप्पल है, हम कहते हैं कि A for apple, और एप्पल मैंने सेब,
लेकिन आज हम उनको ये नहीं सिखाते ए फॉर एप्पल, एप्पल मैंने सेव, हम कहते हैं कि एक एप्पल लेकर के बच्चों के सामने रखा जाता है कि दिस इज एप्पल। ये गवर्नमेंट स्कूल्स की एक अवधारणा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ये चीज़ें सिखा दी जाती हैं, लेकिन इस पर कमेंट्स नहीं होता, इन्फोर्स नहीं होती, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, तो ये किस एक्सटेंड तक आप मानते हैं? नहीं, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि हमारे पास जो टीचर्स हैं जी वो वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं। हाँ। और अगर मैं ये कहूँ कि दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, उनसे कहीं ज़्यादा वेल क्वालिफाइड टीचर्स हमारे पास हैं, और वो टीचर्स अपने हिसाब से और पूरे जोश और खरोश के साथ और लगन के साथ क्लासरूम में लगे हुए हैं। जैन साहब, भाई पेरेंट्स इंक्लिनेशंस टुवर्ड्स प्राइवेट स्कूल देन गवर्नमेंट स्कूल्स? या देखिए, यू आर एक्सप्लेनिंग जो इसमें मेन जो कॉज है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर, एक टाइम ऐसा था जब गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर नहीं था, आज मैं ये बात नहीं कह सकता। आज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत से प्राइवेट स्कूलों से बेहतरीन है। मिड डे मील भी दिया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, स्कॉलरशिप भी होती है, और हमारे पास जो टीचर्स की क्वालिटी है वो बेहतरीन क्वालिटीज है। लेकिन जो हमारे पास स्टफ है, जो स्टूडेंट्स का स्टफ है, स्टफ नहीं, वो नहीं है। स्टफ का मतलब कि स्टूडेंट्स, हम क्या कहते हैं, हम स्टूडेंट्स को जबरदस्ती लेकर के आते हैं। जी जी जी, क्योंकि हमें पता है कि RTA है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, तो राइट टू एजुकेशन में हम बच्चे को किसी न किसी रूप में क्लासरूम तक लेकर के आना हमारी मजबूरी है। एक रैशनलिज्म भी है कि इतने बच्चे नहीं आएंगे तो वहाँ, नहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई इतने बच्चे नहीं आएंगे तो, बच्चों की संख्या की बात नहीं है, नहीं है। लेकिन हर बच्चा स्कूल में आना चाहिए, ये जरूरी है, ये अकाउंटेबिलिटी, ये अकाउंटेबिलिटी है। जैन साहब, हमें निष्ठा के बारे में आप प्रैक्टिकल रूप में जहाँ ट्रेनिंग चल रही है वहाँ कुछ दिखाएंगे आप? बिल्कुल, आइए आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से ट्रेनिंग चलती है और कैसे हमारे जो एक्सपर्ट हैं, मास्टर ट्रेनर्स हैं, की रिसोर्स पर्संस हैं, वो किस तरह से हमारे प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर्स को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। आइए हम चलते हैं। हैव अ ग्लास, यानी कि हम चलते हैं। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर मिस्टर जैन ने बताया कि इनकी ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, कैसे टीचर्स को एजुकेट किया जा रहा है, फिर वो टीचर्स यानी बच्चों को एजुकेट करेंगे। आइए प्लीज जी। निष्ठा ट्रेनिंग सेंटर में हम पहुँचे हैं जहाँ टीचर्स को यानी कि निष्ठा के तहत यानी कि ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेन किया जा रहा है, ऐसा एक हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है। जैन साहब बताइए, हम आपके टीचिंग सेंटर में पहुँच गए हैं, यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में, यहाँ किस टाइप के, आप भी आ जाइए। ये मिस्टर गोयल हैं जो कि डाइट मदरशाम से हैं। हाँ, डाइट मदरशाम से हैं। MHRD से ट्रेन होके आए हैं। MHRD से ट्रेन, NCERT की ट्रेनिंग आप बता रहे थे कि MHRD ने दी। हाँ जी जी। और MHRD का तो ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट है, उनका प्रोजेक्ट है और आप NCERT से ट्रेन होके आए हैं। तो आज ये ट्रेनिंग सेंटर आपका ये बना हुआ है। ऐसे ऐसे कितने ट्रेनिंग सेंटर हैं अपने यहाँ ब्लॉक हंसी सेकंड के अंदर? 3 ट्रेनिंग सेंटर हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ बिल्कुल ये आपने लगाया हुआ स्टिंग के ऊपर है जो प्रोजेक्टर के माध्यम से है। व्हेन द कुक टेस्ट द सूप, दैट्स क्या है गोल सर, ये क्या लिखा हुआ है? ये सर ये असेसमेंट का मैटर है ये। जी, जैसे इवैल्यूएशन वर्ड यूज करते हैं हम। हाँ, इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन को कॉमनली पीपल जानते ही हैं। यहाँ अब इसकी जगह असेसमेंट यूज किया जा रहा है। जी जी। और असेसमेंट दो तरह का होता है इसमें। हाँ। एक फॉर्मेटिव है, एक समेटिव। समेटिव। अब इस बात को अंडरस्टैंड करना एक मुश्किल होता है। जो हमारा पुराना ट्रेडिशन चल रहा था वो क्या एक समेटिव इवैल्यूएशन चल रहा था। उसमें क्या था कि एग्जाम लिया गया और उसमें मार्क्स डाले गए। आप मुझे लेमन भाषा में बताएं समेटिव, या मैं तो समझ पाऊंगा कि मेरे दर्शक नहीं समझ पाएंगे। जी जी जी। जैसे आप लोग इस स्लाइड को देख रहे हो। हाँ, स्लाइड देख रहा हूं। कि घर में क्या है कि कोई सब्जी बनाएगी तो क्या है कि जो घर में सब्जी बनाते हो उसको थोड़ा सा टेस्ट कर लिया जाता है। जी जी जी। कि सब्जी में कौन सी कमी रहेगी। हाँ। सब्जी की जो कमी है वो ये बताती है कि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट है। अब सब्जी बन गई, सब लोग खाने बैठ गए, वो फिर समेटिव है, अपने आप में समेटिव असेसमेंट है। मीन लास्ट में आपने इवैल्यूएशन कर लिया वो। हाँ। पर आपने बीच में जो इवैल्यूएशन किया, आपकी सब्जी में नमक की कमी आ रही है। हाँ। तो फिर क्या हुआ, नमक थोड़ा सा और मिला दिया जाएगा। यानी कमियों को दूर करने के लिए, टीचिंग लर्निंग में कमियों को दूर करने के लिए जो बीच बीच में इवैल्यूएशन किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग,
तो उस इवैल्यूएशन को फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। जैन साहब आप बताएं, बड़े साधारण से, बड़े सिंपल में, नॉट इडियोमेटिक, नॉट कॉम्प्लिकेटिंग, साधारण से शब्दों में। बिल्कुल सीधी सी बात ये है कि एक तो हम एग्जाम के टाइम बच्चों को ये बताएं कि आपने ये कमियां ली, एक उनको पहले बीच बीच में से देख देख कर उनको ये समझें, इवेल्युएट करें कि बच्चा कहाँ कमजोर पड़ रहा है, उसकी अप्रेजल भी देते हैं। यस, उसकी कमजोर पड़ने का मतलब जो कौन सा बेस्ड होता है, वो जो एग्जीबिशन आजकल देते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग चल रही है आजकल। पहले क्या होता था, सारा का सारा जितना पाठ्यक्रम होता था उसके हिसाब से किया जाता था, सब्जेक्टिव था, क्रैम। आज हम ये देखते हैं कि बच्चा किस कॉम्पिटेंसी में वीक पड़ रहा है, जिस कॉम्पिटेंस में वीक पड़ता है उसी कॉम्पिटेंसी को ही उसको ब्रिजअप कर दिया, यानी कि उसकी, यानी कि बिल्कुल सेग्रीगेट करके कि भी ये कहाँ कमजोर पड़ रहा है और उसी को ज्यादा एम्फेसिस देके और उसको फिर से तैयार किया। बिल्कुल ऐसे टीचर्स को भी ट्रेन किया जाए। बिल्कुल टीचर्स को ट्रेन, हम जानते हैं टीचर्स से कि भी। मैडम बताइए आपका क्या नाम है? शर्मिला कुमारी। शर्मिला कुमारी आप कहाँ आई हुई आज बताइए ना? टीचर्स में थोड़ी बहुत जो कमियां रह जाती हैं उनको कवर अप करने के लिए और टीचर अपने बच्चों को और बेटर वे में शिक्षा प्रदान कर सके, इसलिए किस टाइप की शिक्षा देती हो आप? वहाँ सिम्बोलिक दोगी, कैसे दोगी, क्या प्ले विद टेक्निक आपको पढ़ाया जा रहा है? ये मिस्टर गोयल हैं आपके ट्रेनर, जो एनसीईआरटी से आए हैं, मातृसान डाइट से आए हैं, बीओ साहब खड़े हैं, जैन साहब, उनका भी हमने साक्षात्कार किया है। किस टाइप की ये ट्रेनिंग दी जा रही है आपको? ज़्यादातर मौखिक के साथ साथ हम एक्टिविटी बेस्ड बच्चों को, जो एक्टिविटी बेस्ड बच्चों को सिर्फ ओरली उनको ना बता के उनको एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके और प्रैक्टिकली बेस्ड उनको एजुकेशन देके उनको प्ले वे मेथड के साथ शिक्षा ग्रहण, प्ले वे मेथड, यानी दिस इज द मेन टारगेट ऑफ दिस ट्रेनिंग। हाउ मच यू हैव ग्रास्प फ्रॉम दिस ट्रेनिंग? कुछ ग्रहण किया आपने? कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो हमारे पहले क्लियर नहीं थे, जैसे मैथ्स में सर ने कुछ बताया तरीका अलग से, डिफरेंट वे में, जो तरीके हमें मालूम है वो तो हम करवाते हैं, लेकिन कई बच्चों का आईक्यू लेवल थोड़ा डिफरेंट होता है, कई जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, कई और मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। तो माइंड मैपिंग का भी रहता है क्या? बिल्कुल माइंड मैपिंग में रहता है। यू आर वेल वर्स्ड इन ट्रेनिंग। थैंक्स। मेरी तो चश्मा लगाया हुआ आपने, क्या सीखा आपने यहाँ, कितने दिन से चल रहा है? सबसे पहले तो मैं आशिक की आवाज़ का हमारे सदन में पहुंचने पर स्वागत करता हूं पूरे समूह की तरफ से। चलो हमने स्वागत स्वीकार किया आपका, स्वागत तो हमारा सभी, धन्यवाद। चैनल देख लेते हैं, स्वागत करते हैं। ये हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम दिनांक 11 नवंबर से चला हुआ है और जो 16 नवंबर तक चलेगा, 12 तारीख की छुट्टी थी, लगातार ये 5 दिन का निष्ठा के तहत ट्रेनिंग लगी हुई है। आप ट्रेनर हैं या ना टीचर हैं? मैं टीचर हूँ। टीचर, मुझे ये बताइए आपने क्या ग्रहण किया है यहाँ पे, जो बच्चों को जाएगा आपकी अकाउंटेबिलिटी भी है, यहाँ जो जाएंगे मिस्टर बीओ जाएंगे या जो डाइट से जो ट्रेनर आए हैं, जी जी जी, सबका स्वागत, आपकी अप्रेजल होगी वहाँ पे, सबका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। आप यहाँ से बीओ साहब आइए, बाय द वे मेरा चैनल भी जाएगा किसको, मैं आशी की आवाज आइए, इशार की आवाज आइए, मोस्ट वेलकम। आप यहाँ ग्रहण करके जा रहे हैं, कुछ जी 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 जा रहे हैं बच्चों को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वर्ष गुरु नेम या अनिल बेरवाल सर? बेरवाल साहब, थैंक यू सर। ये सभी बैठे हैं ट्रेनर्स में जो ट्रेनिंग लेने आए हैं टीचर्स, ये देश का भविष्य बनाते हैं, हम यही आशा करते हैं कि आप यहाँ से अच्छी ट्रेनिंग लेके जाएं। और बीओ साहब का खासकर धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें अपना ट्रेनिंग सेंटर दिखाया निष्ठा के तहत। गोयल साहब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एक अच्छे अध्यापक, यानी कि प्ले विद मेथड, मैडम शर्मिला ने बताया कि प्ले विद मेथड से हम ट्रेनिंग देते हैं और यहाँ से लेके जाएंगे और वैसे ही बच्चों को पढ़ाएंगे, ताकि प्राइवेट स्कूल्स में जो जाना होता है यानी कि सरकार आप लोगों पर कितना खर्च करती है, आप तो वेल क्वालिफाइड टीचर हैं जो हैं। तो जैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जैन साहब आप लास्ट में हमारे कंक्लूड कर दीजिएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आए हैं। थैंक यू राजीव जी, और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल के माध्यम से, अजय जी आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारी जो निष्ठा की ट्रेनिंग है उसको और चार चांद लगाए हैं, और निश्चित रूप से
हम इस ट्रेनिंग में कामयाब भी होंगे और जो हमारा मकसद है, जो MHRD का मकसद है, जो इस प्रोजेक्ट के तहत, उस मकसद में हम कामयाब होंगे। धन्यवाद। दोस्तों, आप हमेशा हंसी की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन फिर से आपको वादा लेता हूँ, टीचर से भी वादा लेता हूँ कि आपने हमें बहुत मोहब्बत दी, प्यार दिया, स्नेह दिया। आप एक वादा हमारा जरूर स्वीकार कीजिएगा, आप हंसी की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फीडबैक हमें दीजिएगा, ताकि हम और ऊर्जा से, सृजनात्मक ढंग से आपके सामने एक अच्छे से अच्छा, एक पॉजिटिविटी का प्रोग्राम दें, सृजनात्मक कार्यक्रम आपके लिए के। मैं मेरे सीनियर एडिटर अजय सैनी, ब्यूरो चीफ विजेंद्र सिंह के साथ फिर मिलते हैं नए प्रोग्राम में। चले जाते हैं, तेरी महफिल से हम, अगर दिल घबराए तो फिर बुलाइएगा। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।